आई डोंट नो व्हाई, पर इस बार कंपैरेटिवली रास्ते बहुत ही ज्यादा खाली है। मुझे याद है लास्ट टाइम कर्नाटका के जस्ट बाद और अम्बोली घाट के पहले बहुत सारे अननेसेसरी ट्रक्स और ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा थे। मैदान को लगता है कि तब हार्वेस्टिंग सीजन या कुछ चल रहा था, पर अच्छी चीज है कि अभी हम एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत जल्दी पहुंचेंगे। सो वी जस्ट एंटर्ड गोवा और अभी यहाँ पर पहली बार उस स्टॉप पोस्ट पे हमें सीरियसली टेस्ट के लिए पूछा है। सो ईशान सारे टेस्ट देने के लिए उस ऑफिस में गया है और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को याद होगा, पर लास्ट टाइम जब हम गोवा आए थे तब मुझे और वेदांत को यहाँ पर आई थिंक 45 मिनट्स या एक घंटा लगा था फॉर दैट वन पीस ऑफ पेपर टेम्पररी परमिट के लिए। ऑल्सो अभी इन लोगों को और 15-20 मिनट लगेगा, उसके बाद हम रेस्टोरेंट ढूंढेंगे और फिर खाना ऑर्डर करके वो खाएंगे। तब तक मैं एक स्कूप वे पीने वाला हूँ एंड आई थिंक ये वीडियो 24th ऑफ अभी क्या है सितंबर अगस्त आई थिंक ये वीडियो 24th अगस्त को लाइव जाएगा, इसीलिए जस्ट वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि मसल ब्लेज की बर्थडे सेल इज फ्रॉम 24th टू 28th अगस्त और इस सेल पे आप अपना प्रोटीन रीस्टॉक कर सकते हो, प्री वर्कआउट पीनट बटर अलग अलग टाइप के सप्लीमेंट्स खरीद सकते हो और चेकआउट पे मेरा डिस्काउंट कोड साकेत30 इस्तेमाल करना ना भूलना एंड सेल का फायदा जरूर उठाना। और ये मैंने दिल्ली में जो भी हैक्स सीखे थे वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये गाड़ी में मुझे एक छोटा सा कागज मिला, इससे फनल बनाएंगे और इस बॉटल में जो भी बचा हुआ पानी है उसमें वे मिलाएंगे। हो गया अभी मेरे को हिट हो रहा है स्टार्टिंग टू गेट अभी बहुत एक्साइटेड। दो घंटा पहले मेरे को बहुत नींद आ रहा था बट नाउ व्हाट इज स्लीप। ओह फक आई पुट द रॉन्ग लोकेशन। मेरी होटल जाने से पहले हम सबको बहुत भूख लगी है, इसीलिए लंच स्लैश ब्रंच के लिए कुछ लोग KFC जाने वाले हैं। आई थिंक आर्यन तुझे KFC खाना है राइट? व्हाट आर यू गाइस ईटिंग? सबवे। हाँ तो इस KFC के बगल में उस वाली बिल्डिंग में एक सबवे है तो मोस्टली मैं सबवे खाने के लिए जाऊंगा। वेदांत व्हाट आर यू ईटिंग? KFC? ठीक है तो चिकन पॉपकॉर्न ब्रो। तीन लोग KFC, तीन लोग सबवे। नील सबवे ना? सबवे। अब लग रहा है कि हम गोवा में आ गए। इट्स सो ह्यूमिड ओवर हियर। ह्यूमिडिटी गर्मी चिपचिप हो रही है बट मजा आ रहा है एट द सेम टाइम। व्हाट सब ऑफ द डे क्या है? एक्सक्यूज मी व्हाट्स द सब ऑफ द डे? नॉन वेज ट्यूना चिकन स्लाइस। चिकन स्लाइस ओके। मेरा मल्टीग्रेन हनी ओट चिकन स्लाइस फुट लॉन्ग कर दो, वो हम काट देंगे बाद में। वेजी डिलाइट के पार्मेसन ओरिगानो वो भी 6 इंच ही कर देना। क्या हुआ? टॉयलेट ढूंढ रहा था ब्रो, वहां पे वॉशरूम बंद है। वेजी सॉन्ग ऑल वेजी सॉन्ग। नील ऑल वेजी चलेगा ना? अगर आप कभी भी सबवे आते हो एंड इफ यू वांट टू लाइक स्टे श्रेडेड सॉसेस बहुत सिलेक्टिव होते हैं। आई टेल यू रेड चिली और बहुत सारा बारबेक्यू। थैंक यू। अच्छा इधर भी बैठना अलाउड नहीं है? भाई शांति गाड़ी से चड्डी में मुंह से गया। हां बहुत भूख लग गया। उस अंडापुर जी से कुछ नहीं आया। होम स्वीट होम। Home sweet home. Yes, अब feel आ रहा है। Should I drop you guys here and then or should we go from the basement? Basement. Back at the same place. This remind me of. Wow. यहाँ पे हम हमेशा इधर गाड़ी लगाते थे पिछले साल जब हम आए थे। जैसे हाँ ये हमारा ही है, हमारा ही spot है reserved. हम सब ने last time सेम होटल बुक किया था और वी आर होपिंग कि ये लोग हमें सेम रूम भी दे। मैं आप लोगों को एक रूम टूर देने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे याद है जब हम लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तब हमारे आई थिंक 400K सब्सक्राइबर्स या कुछ थे एंड दिस टाइम वी आर ऑलमोस्ट एट 800K, इसीलिए जो सारे नए लोग हैं उनको एक प्रॉपर टूर देनी पड़ेगी। पर पहले चेक इन की जो भी प्रोसेस है वो खत्म करते हैं। टू एक्साइटेड हो आर्यन, फील आ रहा है। आई होप इट्स जस्ट वी गेट द सेम रूम द सेम बालकनी। ओके सो रिसेप्शन है यहाँ पर, बुकिंग नील के नाम से है। ब्यूटीफुल प्लेस यार। एक चीज जो मैं आप लोगों को लास्ट टाइम देना भूल गया
वो था इस होटल के एक्सटीरियर का एक व्यू, बिकॉज दिस इज इक्वली एज ब्यूटिफुल बिकॉज यहाँ पर ग्रीनरी बहुत सारी है। मैंने लास्ट टाइम आपको सिर्फ एक रूम टूर दिया था, पर इस बार हम मे बी आज मे बी कल थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसे एक्सप्लोर करेंगे, चलेंगे होटल अच्छे से चेकआउट करेंगे। और यहाँ पर ईशान एंड आई जस्ट सॉ दिस, कुछ मेमोरीज याद आया ईशान? या मी थ्रोइंग केएफसी फ्रॉम दैट फ्लोर टू फीड द बोन्स। उसको केएफसी के बोन्स खिला रहे थे लास्ट टाइम नवंबर में। या वेरी क्यूट यार, वेरी क्यूट। यू आल्सो रिमेंबर ही थ्रू द बोन्स। यहाँ पर है रिसेप्शन, हमने एंटर किया था यहाँ से। यहाँ पर एक ऐसे जंक्शन आता है, यू कैन आइदर गो लेफ्ट और यू कैन गो स्ट्रेट। यहाँ पर और थोड़े से रूम्स हैं, ये सॉर्ट ऑफ मेन एरिया है। आई थिंक हमारी लास्ट टाइम की जो बालकनी थी वो उस वाली बालकनी थी सेकेंड फ्लोर पे। एंड एक चीज़ जो मुझे चेक करनी है वो है कि यहाँ का पूल चालू हुआ है कि नहीं। इट इज़ ओपन, ब्यूटिफुल। हमारी लास्ट टाइम की बालकनी एग्जैक्टली वो वाली थी, और अगर आपको याद होगा उस बालकनी से एक पूरा पूल का व्यू मिलता था। लास्ट टाइम मुझे याद है कोविड की वजह से पूल चालू नहीं था, बट वेरी गुड टू सी कि इस बार पूल चालू है। हम डेफिनेटली यहाँ पर एक स्विम के लिए आने वाले हैं। वहाँ पर और थोड़े से बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर दूसरे होटल रूम्स हैं। वहाँ पर एक फाउंटेन, दो शावर के एरियाज और यहाँ पर और दो बिल्डिंग्स। ओके, मेमोरीज आए वापस। सो वेलकम टू आवर होटल रूम। इस पूरे टूर के एंड में मैं आप लोगों को प्राइस भी बताने वाला हूँ। अभी गोवा में ऑफ सीजन है टेक्निकली, इसीलिए हमें ये जो भी पूरा अपार्टमेंट है वो काफी चीप में मिला। सबसे पहले दरवाजे से एंटर करते ही ये कमरा मेरे और नील का कमरा है। इवन पिछले साल मैं और नील यहाँ पर जल्दी सोते थे, मस्त उठते थे। यहाँ पर मैंने अनफ्लेवर्ड वे पिया था अगर किसी को याद है। पर यहाँ पर एक डबल बेड है, ये बाथरूम, पर इस बार बाथरूम में मिरर ही नहीं है। वो थोड़ा शॉक होना है, सॉरी, बट मिरर नहीं है, वो उनसे पूछना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर लाइटिंग बहुत अच्छा था। फिर दिस इज सॉर्ट ऑफ द मेन एरिया। यहाँ पर एक किचन है जिसका इस्तेमाल मैं और नील रखी इस बार करने वाले हैं। ये सब थोड़ा सेटल डाउन होने के बाद हम ग्रोसरी स्टोर जाएंगे एंड मोस्टली मैं ओट्स खरीद के लेके आने वाला हूँ। एनीवेज मेरे पास प्रोटीन पाउडर है, सो रात को अगर भूख लगेगी तो ऑर्डर करने के बजाय हम ओट्स खाने वाले हैं। फिर वी हैव अ फ्रिज एंड पानी है अंदर। ओके ग्रेट, प्यास लगी है। लिविंग रूम दिस बालकनी पर, बालकनी बाद में, तो दोस्तों व्यू हुआ न्यू। ये दूसरा कमरा है, यहाँ पर एक और डबल बेड। आई थिंक ईशान और सुरेन यहाँ पर सोने वाले हैं। आर्यन और वेदांत मोस्टली लास्ट टाइम की तरह बाहर सोएंगे। यहाँ पर भी अनदर बाथरूम जहाँ पर लकीली मिरर है, सो इन केस मुझे फोटोज एक्सेट्रा निकालने हैं मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। नाउ द मेन पार्ट, यहाँ से जाए कि वहां से जाए, बिकॉज बालकनी कनेक्टेड है। चेक दिस आउट, चेक दिस आउट। ओके, ये है इस रूम का ऐसे मेन इवेंट। एंड द रीजन कि हमें एक कॉर्नर रूम चाहिए थी वाज बिकॉज वो वाला जो अपार्टमेंट है वो ऐसे ट्रैप्ड लगता है। ये हमारी खुद की ऐसे स्पेस रखती है। यहाँ पर मस्त पूल का व्यू। इस बार लकीली पूल चालू है जैसे मैंने आप लोगों को बोला, सो मे बी हम ये रूम टूर होने के बाद पूल में डुबकी मारने के लिए जाएंगे। बट अब बात करते हैं प्राइस की। नील, Neil has done all the payment and stuff. So basically for 4 nights and 5 days, 2 BHK apartment we got for 14,500, which is a really good deal. I don't think we can see these prices anywhere around Goa, especially in Goa during the season. Put that into perspective, हम 6 लोग हैं, उससे divide करो और per night का cost निकालो, आपका mind थोड़ा सा ये हो जाएगा। Cheers. Wow. Vaga Beach. कोई नहीं है, दिस इज़ द परफेक्ट वे। पता है इतना सारा ट्रैवलिंग करने के बाद, इतना सारा मतलब बहुत जो भी थकान है ना उसे रिलीज़ करने का ये सॉर्ट ऑफ बेस्ट तरीका है मैं कहूँगा। इट्स वेरी पीसफुल। अभी तक गोल्डन आवर भी नहीं हुआ है पर हम सब बस बीच पे चल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। वेरी गुड वाइब यार, ओवरऑल दिस इज़ लाइक द ड्रीम वेकेशन सच्ची।